आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अपने को एक आगे की पार्ट की जरूरत पड़ेगी जिसकी चौड़ाई है 14.25 इंच और इसकी लंबाई है 17 इंच, ठीक है। इसको ऐसे मोड़ लीजिएगा। ये मार्कर पेन से मैंने पहले से चिन्ह लगा के रखा है क्योंकि आपको समझाने में आसान रहेगा। ध्यान से देखिएगा, मेरा पूरा प्रयास होगा आपको समझाने का, ठीक है। इतना राउंड लगा लिया मैंने, अब आपको समझा रहा हूँ इसमें पॉकेट कितने बाई कितने की कटिंग कर लेंगे। अपने को एक इंची टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक पटरी की और एक मार्कर पेन की, ठीक है। पटरी को यहाँ पर ऐसे रख लीजिएगा और यहाँ से ऐसे मोड़ लीजिएगा। इसको नापते हैं 5.25 इंच और यहाँ भी 5.25 इंच। ये मार्कर पेन से ये लकीर खींच लिया मैंने। और इस पॉकेट की लंबाई कितनी इंच है वो भी आप देख लीजिएगा। इस पॉकेट की लंबाई है 13.5 इंच और यहाँ पर भी लकीर खींच लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर। अब अपने को यहाँ पर राउंड देने की जरूरत पड़ेगी, जो आप यहाँ पर ऐसा राउंड लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले से लगा के रखा है। फिर अपने को ये दूसरा गला काटने की जरूरत पड़ेगी। ये पॉकेट कितने बाई कितने का कटिंग हुआ है आपको समझा दे रहा हूँ। इस पॉकेट की लंबाई है 11 इंच में 2 सूत कम, ठीक है, 11 इंच में 2 सूत कम। यहाँ पर ऐसा मार्कर पेन से चिन्ह लगा लिया है। फिर अपने को इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। इस पॉकेट की चौड़ाई है 3.5 इंच, ठीक, यहाँ भी 3.5 इंच। यह भी लकीर चौरस खींच लिया मैंने, ठीक है, पहले ए लकीर खींचने का, फिर ए, और यहाँ पर ऐसा राउंड लगाने का, ठीक। ऐसा राउंड लगाने के बाद फिर अपने को ये चांद कटर करने की जरूरत पड़ेगी। ये चांद यहाँ से अलग हुआ है, ठीक है। इस चांद की कितनी कितने बाई कितने की कटिंग करने का, ये नीचे से 7.25 इंच, ठीक है, यहाँ पर लकीर खींच लीजिए। अब मैं आपको पूरा समझा दिया इसमें कितने बाई कितने का मार्का लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरा पूरा प्रयास होता है आपको समझा देंगे। अब मैं आपको इसको कटर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा आपको कटिंग कर दिखा दिया इसमें कितने बाई कितने का मैंने मार्का पेन से चिन्ह लगा के रखा। आपको पूरा पॉकेट काट के मैंने दिखा दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरा पूरा प्रयास होता है आपको समझाने का। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें कलरिंग का जो ये कपड़ा लगा हुआ है ये कितने बाई कितने का लगा हुआ है, ठीक है। चौड़ाई है फ्रेंड्स 6.25 इंच और इसकी लंबाई है 3 इंच, ठीक है, जो यहाँ पर यह सोपट्टी लग जाएगा, ठीक है। फिर अपने को जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर यह कटिंग डिजाइन लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे करके, इस कट की चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 6 इंच, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख के क्रॉस काट लेते हैं। ये भी अपना जवाबी में कटेगा, एक सीधा रखने का एक उल्टा, ठीक है, ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। फिर अपने को ये नीचे पट्टी की जरूरत पड़ेगी। इस पट्टी की चौड़ाई है फ्रेंड्स 7.5 इंच और लंबाई है 2 इंच, ठीक है, जो यहाँ पर लग जाएगा। फिर अपने को जरूरत पड़ेगी ये लोपी की। इस लोपी की चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 4 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पॉकेट में पूरा समझा दिया इसमें कितने बाई कितने का कटिंग लगा हुआ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ जो यहाँ पर साइड में तरिया दिया गया है, ये आपको समझा दे रहा हूँ ये तरिया कितने बाई कितने का लगा हुआ है। इस तरिया की चौड़ाई है 14.25 इंच, ठीक है, और इसकी लंबाई है 7.5 इंच। फिर अपने को इस पॉकेट में अस्तल कितने बाई कितने का लगा हुआ ये आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस अस्तल की चौड़ाई रहेगी 11 इंच और लंबाई रहेगी 15 इंच, जिसमें 2 अस्तल लगा हुआ है, इसमें बीच में आर्म फंसा हुआ, ठीक है। फिर अपने को हाफ अस्तल की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जिसकी चौड़ाई रहेगी 15 इंच और लंबाई रहेगी 17 इंच, ठीक है। फिर अपने को फुल अस्तल की जरूरत पड़ेगी जिसकी लंबाई रहेगी 25 इंच और चौड़ाई रहेगी 15 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पॉकेट का पूरा मैंने कटिंग समझा दिया। अब अपने को जरूरत पड़ेगी आगे की फोल्ड की, इसमें कितने बाई कितने का कट लगा हुआ, एक चेन दी हुई है और एक तलवार लगा हुआ, एक कट, ठीक है। आपको अब मैं आगे का फोल्ड समझा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो पॉकेट में आगे का फोल्ड बना हुआ है ये आपको समझा दे रहा हूँ इसमें कितने बाई कितने का कटिंग लगा हुआ है। इस कट की जरूरत पड़ेगी, इसकी कट की चौड़ाई रहेगी 3 इंच और लंबाई रहेगी 7 इंच, ठीक है। और जो अपना ये तलवार लगा हुआ है ये मैंने पहले से काट के रखा, इसको एक सीधा रखने का एक उल्टा, जिसकी चौड़ाई रहेगी 2 इंच और लंबाई रहेगी 8.5 इंच, ठीक है। इसको ऐसा क्रॉस काट लेते हैं, इसको बोलते हैं तलवार, ठीक। मैंने पहले से काट के रखा और ये कट, ठीक है। इसमें फोल्ड आगे के फोल्ड में दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तलवार की, एक कट की और चैन की, ठीक है। सिलाई में आपको पूरा मैं समझा देंगे दूसरे भाग में अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं यही समझाने का पूरा प्रयास करेंगे इस बैग में कितने बाई कितने का कटिंग लगा हुआ, ठीक है। फिर अपने को जरूरत पड़ेगी बैक पार्ट और फोल्ड को सेट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें हैंडल लगा हुआ है और एक चैन पट्टी लगा हुआ है और एक होल, ठीक है, जिसमें बोतल लगते हैं। ये कितने बाई कितने का कटिंग है ये भी आपको मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको फोल्ड बोलते हैं जिसमें अपना बोतल चौंकता है, ठीक है, रखते हो, यहाँ पर बोतल लग जाएगा 8x8 का। इस फोल्ड की कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस फोल्ड की चौड़ाई रहेगी 6 इंच और लंबाई रहेगी 35 इंच, ठीक है। फिर अपने को ये जिसमें हैंडल लगाते हो, इस कट की चौड़ाई रहेगी 4 इंच और लंबाई रहेगी 9.25 इंच, ठीक है, 9.25 इंच। इसके अपने को सेम टू तीन कट की जरूरत पड़ेगी, 1, 2, 3। फिर अपने को हैंडल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हैंडल की लंबाई रहेगी 2 इंच और चौड़ाई रहेगी 9.25 इंच। फिर अपने को एक जाली की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अपना नीचे रख के जाली से लोगे, उस हैंडल की जाली की लंबाई रहेगी 9.25 इंच और चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच, ठीक है। फिर अपने को चैन पट्टी की जरूरत पड़ेगी, जिस चैन पट्टी की लंबाई रहेगी 2 इंच और चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लंबाई है 26 इंच, ठीक है। जो अपना ये 9.25 इंच का जितना मार्जिन फालतू हो रहा है वो अपना सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि अपने को कितना ये रेडी चाहिए सिलाई लगा के 26 इंच, और ये अपना है 26 इंच। अब ये अपना 1.5 इंच जो फालतू हो रहा है वो अपना मार्जिन में चला जाएगा, तो अपना ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फोल्ड कैसे सेट करते हैं। आपको बैग बनाने के टाइम इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, बैक पार्ट का फोल्ड कैसे सेट करते हैं, बैक का फोल्ड कैसे सेट करते हैं, अपना ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले अपने क्या करते हैं, फोल्ड निकाल लेने का कटिंग में से, फिर अपने को चैन पट्टी की जरूरत पड़ेगी। चैन पट्टी को नाप लेते हैं, चैन पट्टी अपनी है 26 इंच, तो अपना इंची टेप से 26 इंच नाप लिया मैंने, और 26 इंच को यहाँ पर रख लेने के बाद और इसको टोटल नाप लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है 61 इंच। 61 इंच में से अपना 1.5 इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो कितना बचा 59.5 इंच, ठीक, 59.5 इंच बचाना। तो अपने को पार्ट में 59.5 इंच का राउंड वाइज हिसाब से लगाने का, जो अपना फिक्स 59.5 इंच आना चाहिए, ठीक है। अब इस अपने को पार्ट की जरूरत पड़ेगी, बैक पार्ट की, जिसकी चौड़ाई रहेगी 14.25 इंच और लंबाई रहेगी 17 इंच। इसको ऐसे मोड़ लीजिएगा, ऐसे मैंने मोड़ लिया। एक अपने को प्लेट की जरूरत पड़ेगी और मार्कर पेन की, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने मार्कर पेन से चिन्ह लगा लिया, और यहाँ पर ये चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक, दोनों साइड, क्योंकि इस पर अपना सिलाई करते टाइम सेंटर पर रहे, ये अपना कर लिया, ठीक है। फिर इसको नाप लेते हैं कितना चाहिए, 59.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, अपना फिक्स आया 59.5 इंच, उसी हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। पहले से राउंड मत लगाने का, पहले अपने फोल्ड को नाप लेने का, कितने बाई कितने का कैसे हो रहा है, ठीक है, वाई हिसाब से अपने फिर फोल्ड पार्ट में राउंड लगाने का, और अपने को फोल्ड में बीच में चिन्ह लगा लेने का, यहाँ पर सेंटर पर, ठीक, दोनों तरफ, जो अपने चढ़ाते टाइम प्रॉब्लम ना, ठीक है। फिर अपने को बेल्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच और लंबाई रहेगी 17 इंच। इसको क्रॉस काट लेते, ठीक है, एक सीधा रखने का एक उल्टा, तो अपना ये जवाबी में निकल आएगा। और इसमें बैक पार्ट में अस्तर कितने बाई कितने का लगा हुआ है ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें जो बैक पार्ट में अस्तर लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई रहेगी 15 इंच और लंबाई रहेगी 19 इंच। फिर अपने को लैपटॉप में जो अस्तर लगा हुआ है, जिसको लैपटॉप बोलते हैं रखने के लिए, इस लैपटॉप की लंबाई रहेगी 27 इंच और चौड़ाई रहेगी 15 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये दो अस्तर समझा दिया। फिर अपने को पार्टीशन अस्तर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई रहेगी 15 इंच और लंबाई रहेगी 20 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, अपने बेल्ट में उसी हिसाब से अस्तर काट लीजिएगा, तो आपको आसान रहेगा। और अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको समझाएंगे इस बैग की सिलाई कैसे करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ऐसे देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स।